अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचारी भिंडी, जिसके लिए हमने भिंडी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 अदद दरमियानी प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट के रख लिया है। मसाला जात में हमने कुटी मिर्च 1 चम्मच, पिसी मिर्च 1 चम्मच, कलौंजी 1/2 चम्मच, नमक हसबे जायका, साबित धनिया, सौंफ और जीरे को कूट लिया है और 1 चम्मच हल्दी ली है। सबसे पहले हमने प्याज को शामिल करा और इसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हमने अलग से एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालना है और उसके अंदर हमने भिंडी डाल के भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को अलग से फ्राई करने में इसे लेसपन भी नहीं आता और ये क्रिस्पी क्रिस्पी ब्राउन सी हो जाएगी, फिर हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अब इसको हमने अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन प्याज को अच्छे से हमने भून लेना है। 1-2 मिनट तक हम इसको भून रहेंगे। अब हमने 1 बड़ा टमाटर काट लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और टमाटर को हमने इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो पकाना है, जब तक टमाटर नरम ना हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी ना हो जाए। अब टमाटर जब थोड़े से जो है कुक हो गए हैं, इसके अंदर हम अपने मसाला जार शामिल कर देंगे। मैंने साबुत धनिया, सौंफ और जीरे को अलग से जो है वो क्रश कर लिया है। चाहे तो आप इसको ग्राइंडर के अंदर अलग से जो है वो क्रश कर सकते हैं, या फिर आप इमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं। आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। अब हम अपने टमाटर को गलाने के लिए इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से इसमें गल जाएं। दो से तीन मिनट बाद आप चेक करें, मसाला अच्छी तरह जो है वो भुनने पे आ गया है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह भून लेंगे और टमाटर को मैश कर देंगे। जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ देगा, तो फिर हम इसमें रखी हुई है वो शामिल करेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चें वो शामिल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग हो रहा है मसाले से। इट्स मीन कि हमारा मसाला तैयार है।
अब मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें हम भिंडी शामिल कर देंगे जो हमने अलग से भून के रखी थी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और भिंडी दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर एक अदद नींबू का रस भी जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्की सी खटास ही जो है वो अचारी भिंडी का खास जो है वो टेस्ट अच्छा सा लेकर आती है। इसलिए मैंने अलग से नींबू नहीं था तो इमली जो है वो अलग हुई हुई है, इसका जो हम पल्प है इमली का इसकी गुठलियाँ निकाल देंगी और इमली का जो पानी है जो पल्प है हम वो यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप खट्टा नहीं खाते तो आप इसमें इमली ना डालें, आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। इसको कवर करके हम 3 से 4 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हमारी अचारी भिंडी तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है, भिंडी बिल्कुल जो है वो रेडी है। अच्छी तरह जो हमने इमली का पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है, और ये देखिए ये है मज़ेदार अचारी भिंडी। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Thank you.